नमस्कार साथियों, मैं राजूराम राठौड़। मैं पहुंच गया हूं आज बेड़कला गांव, जो पूर्ण रूप से रसायन मुक्त की तर्ज पे एक नया गांव नवाचार करता हुआ। मित्रों, ये मेरे सामने 10-10 हज़ार लीटर की 5 डिक्कियां बनी हुई है मिट्टी के अंदर पाल डालकर। मित्रों, यहां से स्प्रे के लिए वेस्ट डिकम्पोजर ले जाया जा रहा है और यहाँ 8 बैरल रखे हुए हैं छोटे छोटे। इन बैरलों में माइक्रोन्यूट्रिएंट अपने घर से लाया जा रहा है। यह माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरे छोटे केसरी कलर के ड्रम हैं, इसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट है। मित्रों, यह वेस्ट डिकम्पोजर की यूनिट है। ये 10-10 हज़ार लीटर की है। देख सकते हैं आप, 5 गड्ढे हैं मिट्टी के अंदर, पांचों की साइज एक है। ये 10-10 हज़ार लीटर है और यहाँ स्प्रिंकलर सिस्टम बना है, ड्रिप सिस्टम यहाँ लगा है। मित्रों, यह पूर्ण रूप से जैविक खेती हो रही है। और टीकम सिंह जी का सुबह मेरे पास फोन आ गया कि आप एक अब आ ही गए हैं तो एक बार राउंड करके जाइए। मित्रों, यहाँ से इसको खाली कर दिया गया है। मित्रों देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, ये हमें सीमेंट के हौद के अंदर जो WDC बनाया था, उससे हमें जो नुकसान हुआ है। तो जो भी किसान मित्र वेस्ट डिकम्पोजर बनाते हैं, तो आप सीमेंट के जो जैसे डिक्की बनाई है, ये सीमेंट के डिक्की में अंदर आ गया हूँ, सीमेंट के डिक्की के अंदर। मित्रों, इसके अंदर WDC यानी कि वेस्ट डिकम्पोजर बनाया था, तो ये दीवारें देख सकते हैं आप, ये पूरी टूट चुकी है। अंदर जो सीमेंट का, बारीक सीमेंट का जो लेप किया गया था, ये पूरा निकल चुका है। देखिए मित्रों, जो भी किसान मित्र सीमेंट की डिक्की में अगर वेस्ट डिकम्पोजर बनाते हैं, तो मित्रों पाल जरूर डालें। देख सकते हैं आप, यह दीवारों की मिट्टी बजरी निकल निकल कर यहाँ इकट्ठी हो गई है। अब इसको हमने छोड़ दिया है, फिर से इसके अंदर पाल डालकर अब पुताई करके पाल डालेंगे। पाल डालने के बाद हम इसकी फिर से भंडारण करेंगे। यहाँ बैरल रखे हैं, टंकियाँ रखी हैं 500 लीटर की। देखिए मित्रों, सभी किसान मित्रों से, जो भी आज का मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, सभी किसान मित्रों से मेरी यही दरख्वास्त है, गुजारिश है, सिफारिश है कि इस तरह आप डिक्की अगर बनाते हैं तो या तो टाइल्स लगा दें, टाइल्स न लगाते हैं तो कोई बात नहीं, सस्ता पड़ेगा। प्लास्टिक का पाल अंदर डाल दें तो ये दीवारें खराब नहीं होगी। देखिए, जैसे मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, यहाँ माइक्रो न्यूट्रिएंट बनाया, ये 15 हज़ार लीटर का डिक्की है। यहाँ से पूरा ये पंप मोटर डालकर यहाँ से अटैच करके ये यहाँ तक ला के छोड़ा गया है। और ये दूर तक देख सकते हैं आप, 10 हज़ार की 5 जो डिक्कियाँ देख रही हैं, 10 हज़ार लीटर की जमीन के अंदर गड्ढा करके ये 50 हज़ार लीटर है। मित्रों, यह टीकम सिंह जी का फार्म है और आप सामने जीरा देख सकते हैं। देखिए जीरा, पांव रखने को भी जगह नहीं है इस जीरे के अंदर। और अब किसान मित्र भी आ गए हैं मेरे साथ, उनके साथ भी हम आपको जीरे का अवलोकन कराएंगे, उनको साथ में लेकर जाएंगे उनके खेत में कि उन्होंने क्या क्या चीज इस्तेमाल की। देखिए मित्रों, मानो एकदम धरती ने कुछ अलग ही हरियाली ली हो। बहुत ही बढ़िया जीरा दिख रहा है। माइक्रो न्यूट्रेंट, वेस्ट डिकम्पोजर, 5 पत्ती घोल, ये सब इसके अंदर इस्तेमाल किया है। तो चलेंगे मित्रों अगले वीडियो की ओर, और खेत में जाकर जीरे का अवलोकन और जीरे में जो जो चीज़ें दी गई है, जो जो माइक्रो न्यूट्रेंट वेस्ट डिकम्पोजर के साथ इस्तेमाल किया गया है, वो भी दिखाऊंगा। मित्रों देखिए, मैं आपको सामने एक खेत में लगे मटके के ऊपर कुछ पक्षी बैठे दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं ना मित्रों? यह परंपरागत विधि से ये एक टायर लगाया गया है सामने।
मित्रों, ये जो मिट्टी का जो मटका लगा है लकड़ी के ऊपर, इसके ऊपर दो पक्षी बैठे हैं। मित्रों, रसायन अगर डाला जाए तो ऐसे पक्षी नहीं आते हैं। ये पूर्ण रूप से वेस्ट स्टडी कंपोजर और जैविक आधारित जी रहा है, तो इसमें पक्षियों का आना स्वाभाविक है। मित्रों, जरूर राय दीजिए अपनी टिकम सिंह जी के बारे में, और जरूर अपना मत दीजिए मेरे बदलते बेड़गांव के बारे में। धन्यवाद मित्रों।